इंदौर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, वंशवाद के पेड़ पर चढ़कर इन लोगों को पार्टी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन सोच और विजन नहीं मिल सकता है। जब विजन नहीं होता, जब ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झूठ फैलाना पड़ता है। यही कारण है कि आज कांग्रेस देश की डिफेंस पॉलिसी, हमारी रक्षा नीति ये डिस्कस ही नहीं करना चाहती। कांग्रेस कहती है कि मोदी आतंकवाद का मुद्दा क्यों उठाता है? आप मुझे बताइए, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? ऐसे जवाब नहीं चलता। इंदौर वाले तो दिल खोल करके बोलते हैं, पोहा खिलाते हैं तो प्यार से खिलाते हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में आतंकवाद की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये इंदौर महानगर पालिका का चुनाव है क्या? ये हिंदुस्तान का चुनाव है। इंदौर महानगर पालिका चुनाव में नया टीवीएस रेडियो जियो बोला, खंभे, बिजली, पाइप, बगीचा, सफाई, गटर, पानी, ये तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या हिंदुस्तान का चुनाव होगा जिस हिंदुस्तान की सरकार रक्षा बजट बनाती है, जो हिंदुस्तान की सरकार को सीमा की रक्षा की जिम्मेवारी होती है, जिस देश में आए दिन 2014 के पहले बम धमाके होते थे? बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मुंबई में हुआ कि नहीं हुआ? पुणे में हुआ कि नहीं हुआ? बनारस में हुआ कि नहीं हुआ? अयोध्या में हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली में हुआ कि नहीं हुआ? मैं इतनी बड़ी लिस्ट बता सकता हूं। 2014 के बाद बंद क्यों हो गया भाई? क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? क्या कारण है? क्यों बंद हो गया? अरे आप इंदौर वालों ने गलत जवाब दे दिया। इंदौर वाले गलती नहीं कर सकते जी, इंदौर वालों ने गलत जवाब दे दिया। आप कहते हैं मोदी ने किया, आपका जवाब गलत है, ये आपके एक वोट ने किया है, ये आपके वोट की ताकत है जो देश आज मजबूती से घर में घुस के मारता है। कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ।